सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज इम्तियाज एंड वेलकम टू माय एप्पल प्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं आईफोन परचेस करने की दुबई से, तो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, काफ़ी हमके रिलेटिव्स रहते हैं दुबई में, फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं। दोस्तों, अगर आप उनके थ्रू अगर बाय करने की सोच रहे हो, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप यहाँ से इंडिया से जाके दुबई से अगर बाय करने की सोच रहे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम चार टॉपिक्स पर बात करने वाले दोस्तों। हाउ टू बाई आईफोन्स फ्रॉम दुबई, दुबई से आईफोन्स को कैसे बाय करें, और दोस्तों क्या हमको वारंटी मिलेगी क्या इंडिया में अगर हम दुबई से बाय करते हैं आईफोन। और दोस्तों, काफ़ी लोग के मन में ये सवाल होता है कि हम अगर दुबई से बाय करेंगे तो वो इंडिया की सिम जो चलेगी क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों इंडिया में एक ई सिम होती है और एक फिजिकल सिम होती है। और दुबई में दोस्तों दो तरह की सिम होती है, एक ई सिम होती है दोस्तों और एक फिजिकल सिम भी होती है। और दोस्तों और एक एक डुअल सिम का भी जो प्रोसेस है दोस्तों, जैसे कि हमको सैमसंग वगैरह के फ़ोन में मिलता है, वैसा भी दोस्तों दुबई में दुबई के आईफोन्स में होता है। आपको कौन सा लेंगे तो बेहतरीन होगा। और दोस्तों और एक पॉइंट ये है कि हमको फेस टाइम वाला फ़ोन खरीदना चाहिए, विदाउट फेस टाइम वाला फोन जो है खरीदना चाहिए। दुबई में दोस्तों फेस टाइम का फ़ोन भी मिलता है और विदाउट फेस टाइम का फ़ोन भी मिलता है। दुबई में एक रूल है कि दोस्तों हम वीडियो कॉल वगैरह कर नहीं सकते, आईओमओ से व्हाट्सअप कॉल वगैरह, व्हाट्सअप वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आपको दो तरीके के फ़ोन्स मिलते हैं। कहाँ से आपको विदाउट फेस टाइम वाला फ़ोन खरीदना चाहिए, और दोस्तों कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, हम कस्टम ड्यूटी से कैसे बच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सुनेंगे तो इंडिया और दुबई के बीच में प्राइस डिफरेंस है तो काफ़ी है दोस्तों, 30,000-40,000 का डिफरेंस है दोस्तों इंडिया और दुबई में। और दोस्तों आप सेकेंड हैंड मार्केट के लिए अगर जाना चाहते हैं दुबई में, तो आपको कैसे बाई करना चाहिए वो भी प्रोसेस है दोस्तों, काफ़ी कुछ है दोस्तों। आज की वीडियो में काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें ना, इसी तरह के आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो का हमने लाइक टारगेट रखा है 50 लाइक्स, उम्मीद है कि इस 50 लाइक टारगेट को आप पूरा कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया से दुबई जा रहे हैं आईफोन परचेस करने की, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे हम इंडिया में आईफोन परचेस करते हैं वैसे हम जो है दुबई में भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको दुबई में एक ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। दुबई में काफ़ी टफ रूल्स है दोस्तों, जैसे कि हम व्हाट्सअप कॉल वगैरह करते हैं इंडिया में, वहाँ पे दुबई में हम नहीं कर सकते, वहाँ पे बैन है। सिर्फ आपको एक ही जो है ध्यान में रखना होगा, एक ही बात को ध्यान में रखना होगा, आपको जो है वहाँ पे विथ फेस टाइम वाला फोन खरीदना चाहिए। अगर आप एप्पल स्टोर से आईफोन जो है परचेस करते हैं तो आपको जो है विदाउट फेस टाइम वाला फोन आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो है विद फेस टाइम का फोन खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे बजाज वगैरह से, लोकल बिक्सी वगैरह से जो है फोन परचेस कर सकते हैं, वैसे ही जो है हम दुबई में भी रिटेल स्टोर से परचेस कर सकते हैं, वहां पे आपको विद फेस टाइम वाला फोन मिलेगा। अगर दोस्तों दुबई के आप एप्पल स्टोर में जाएंगे तो आपको विदाउट फेस टाइम वाला फोन मिलेगा, अगर आप लोकल मार्केट से अगर खरीदते हैं तो आपको जो है विद फेस टाइम वाला फोन मिलेगा। अच्छी तरह से आप वहाँ पे चेक करके ले सकते हैं, कुछ भी नहीं तो सिंपल है। आप वहाँ के लोकल स्टोर पे जाइए, वहाँ पे जो है बता सकते हैं मैं इंडिया से हूँ, मुझे एक फेस टाइम वाला फ़ोन खरीदना है, तो आप जो है वो जो रिटेलर होगा वो आपको जो है डेफिनेटली एक फिथ फेस टाइम वाला फ़ोन दे देगा। ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमको वारंटी मिलेगी क्या इंडिया में। देखिए दोस्तों, आईफोन कहीं से भी परचेस करिए आप, यूएसए से, कहीं से भी, चाइना से, दुबई से, कहीं से भी आप जो है अगर आईफोन परचेस करते हैं आपको कहीं भी वारंटी मिलेगी, इंडिया में आपको वारंटी मिलेगी। आपको जो है एप्पल स्टोर पर कहीं भी आप फोन को लेके जाएंगे तो आपको जो है इंडिया की वारंटी मिलेगी। दोस्तों आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको एप्पल की वारंटी मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं उनके जो लोग कन्फ्यूज है, क्या हमको ई सिम वाला फ़ोन खरीदना चाहिए या फिजिकल सिम वाला फ़ोन खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंडिया में आईफोन्स में एक फिजिकल सिम आती है और एक ई सिम आती है, दुबई में दोस्तों ई सिम भी आती है, फिजिकल सिम भी आती है, और दोस्तों ड्यूल फिजिकल सिम भी आती है। आप इन दोनों में से आप कोई भी सिम वाला फ़ोन खरीदें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है इंडिया में वगैरह कहीं भी आप इन फोन को लेके जाएंगे तो आपके सिम वगैरह जियो नेटवर्क जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी आप सिम वहाँ पर आईफोन में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप कौन सा भी जो है ई सिम वाला अगर परचेस करना चाहते हो वो भी परचेस कर सकते हैं, अगर आप जो है ड्यूल सिम वाला आईफोन परचेस करना चाहते हो वो भी आप खरीद सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो है बेफिक्र इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमको कस्टम ड्यूटी कितनी लगी। देखिए दोस्तों, आपने आईफोन परचेस कर लिया दुबई से, आपने जो है अपने लगेज में आईफोन सील पैक जो होता है आपको रख लिया, तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा 22%। लेकिन दोस्तों आप जो है दुबई से आप फोन ने बाई कर लिया, आप जो है वहाँ पर एक्टिवेट करके अपने पॉकेट में रख के आप जो है इंडिया लाएंगे तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी देने नहीं पड़ेगी। आप बेफिक्र जो है बिना कस्टम ड्यूटी के अपना आईफोन जो है ला सकते हैं, क्योंकि तो आप जो है पर्सनल यूज़ के लिए अपना फ़ोन ला रहे हैं तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, देना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है सील पैक अपने लगेज में रख के आप ला रहे हैं तो आप कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा।
लेकिन आप पॉकेट में रखें आप लाएंगे तो आपको जो है कस्टम ड्यूटी से आप बच सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करने वाले हैं कितना प्राइस डिफरेंस होता है इंडिया और दुबई में। देखिए दोस्तों मॉर्निंग में जो है सलीम बाबा टेक्निकल का वीडियो देख रहा था, आप जो है काफी लोग तो पहचानते होंगे, लेकिन दोस्तों इंडिया और दुबई में काफ़ी डिफरेंस होता है। दोस्तों आईफोन 11 जो दुबई में आपको थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हुआ है, दुबई में आईफोन 11 का 44,000 में आपको आईफोन 11 मिल रहा है दोस्तों दुबई में। अगर इंडियन प्राइसिंग हम आईफोन 11 की हम बात करते हैं आपको 66,300 जो है प्राइस है अभी फ्लिपकार्ट का आईफोन 11 का। आईफोन 11 प्रो आपको जो है 64,000 में मिल रहा है दोस्तों, काफ़ी डिफरेंस है। अगर इंडिया की बात करते हैं आपको 1,04,000 में आपको आईफोन 11 प्रो मिल रहा है बेस मॉडल 64 GB में, अराउंड आपको 39,000-40,000 का डिफरेंस है। तो इंडिया और दुबई में आईफोन 11 प्रो मैक्स दोस्तों 71,000 का मिल रहा है 64 GB वेरिएंट जो है दुबई में। इंडिया में बात करें दोस्तों 1,14,000-1,15,000 का मिल रहा है दोस्तों आईफोन 11 प्रो मैक्स 64 GB वेरिएंट, काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। आईफोन 11 प्रो मैक्स में आपको 43,400 का डिफरेंस मिल रहा है, आईफोन 11 प्रो में आपको 39,000-40,000 का डिफरेंस मिल रहा है, और दोस्तों आईफोन 11 में आपको 22,300 का डिफरेंस मिला दोस्तों आईफोन्स इंडिया में और दुबई के प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जो है आईफोन 11 प्रो अगर कोई भी आप फ़ोन प्लान कर रहे हैं बाय करने का दुबई से, आप कुछ ही दिन में दोस्तों आईफोन 12 भी लॉन्च होने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हैं आईफोन 12 बाय करने के लिए आप दुबई से जाके बाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन बात का ध्यान रखना, आपको विदाउट फेस टाइम वाला फ़ोन आपको खरीदना नहीं है, आपको विद फेस टाइम वाला फ़ोन खरीदना चाहिए। इसकी जगह आप जो है दूसरा eSIM, डुअल सिम वगैरह जो भी जितने भी है दोस्तों आप जो कौन सा भी उसमें से खरीद सकते हैं। आपको वारंटी भी इंडिया की मिलेगी। आपको कस्टम ड्यूटी से आपको बचना है तो आपको मैंने आपको जो है बता दिया है पहले ही, आप जो है उस तरह से आप ला सकते हैं इंडिया में। और दोस्तों आपको सेकेंड हैंड फ़ोन भी आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आप OLX है वहाँ पर अभी जो है कोई भी ऐप होता है उसमें वहाँ पे भी आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। आईफोन्स में सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, तो अगर आप वहाँ पे बाइक करना चाहते हैं, आपके रिलेटिव्स कोई फ्रेंड्स रहता है उनको मालूम होता है दोस्तों, वहाँ से भी आप बाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे हमारे ही चैनल पे। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।